बस अब रुख करते हैं खबरों का। तेजस्वी यादव के बंगले पर विवाद और गहरा गया है। तेजस्वी के बंगले पांच देश रत्न मार्ग पर आज सुबह पटना प्रशासन पहुंचा, लेकिन तेजस्वी ने दो टूक कहा कि जब तक यह पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तब तक वे बंगला खाली नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले आरजेडी के हाथों से सत्ता जाने के बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगला खाली करने को कहा था। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डबल बेंच में अपील कर रखी है, मैं समझता हूँ कि उसका फैसला आने तक और उसके कोर्ट के पूरे फैसले आने तक सरकार को सब्र और धैर्य से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त, जो संवैधानिक पद वह अपने व्यक्तिगत झगड़े की तरह इन सारे इश्यूज को ले रही है, इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद करनांकन की प्रक्रिया इसके पहले कभी नहीं अपनाई गई, जो पूरे बिहार परंपरा भी नहीं रही, लेकिन यदि करनांकन की ही बात हो तो नेता प्रतिपक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, तो सबसे पहले बेहतर बंगले का करनांकन नेता प्रतिपक्ष के नाम से होना चाहिए था, जिसमें उड़ा रहे वही मुख्यमंत्री जी 7 नंबर डेरा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसके लिए ऐसा नहीं किया गया तो यह सरकार की गलती है और सरकार को पूर्वाग्रह से। इस खबर पे विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय लाइन पे जुड़ रहे हैं। हाँ अभय, हेलो। हाँ अभय, तेजस्वी यादव का बंगला खाली करवाने के लिए जो पुलिस प्रशासन उनके घर पे पहुंची थी, क्या है ताजा अपडेट वहां का अभी? जी, मैं तो मौके वारदात पे वहां पे पहुंचा, वहां के ताजा अपडेट वहीं से मैं बता रहा हूं कि जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं रामचंद्र पूर्वे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आलोक मेहता प्रदेश महासचिव, सारे लोग वरिष्ठ नेता धरना पे बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो उन्हें एक आवास मुहैया कराया जाए, तब उन्हें ये जो आवास पुराना वाला है वो खाली करवाया जाए। जी जी, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आरजेडी की? आरजेडी का कहना है कि वो हाईकोर्ट में मामला है, जिस तरह से उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, तो क्या है पूरा मामला अभी का, क्या सिनारियो है वहां पे? जी, ये पूरा मामला हाई कोर्ट में है और तेजस्वी यादव ने अपने ओर से दाखिल करवा चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे कुछ समय मांगने की मोहलत है, लेकिन कोर्ट के फैसले उन्हें मोहलत नहीं दिया कोर्ट ने, और तुरंत कार्रवाई करते हुए खाली करवाने का जो प्रक्रिया है वो पुलिस प्रशासन जुट गई। हालांकि जो राजद के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश नजर आए और वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो क्या हुआ वहां पे, घर खाली करवाया जाएगा या वो कार्रवाई टाल दी गई है अभी? जी, अभी तो तक तो नहीं करवाने में असफल रहे हैं फिलहाल तो, और जैसा जिस तरह से जो नेता राजद के हैं वो करीब उनके डेरा जमाए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बार लगातार, इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण अब तक जो आवास है वो नहीं खाली करवाया जा सका। थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियदर्शी अभय प्रियदर्शी, जो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव के बंगला खाली करवाने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अभी रोक दी गई है।